नमस्कार दोस्तों, मैं वासु पटेल। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप कोई भी गाना हारमोनियम पे बजा रहे हैं या कैसियो कीबोर्ड पे बजा रहे हैं या पियानो पे, ऑर्गन पे, जिस पे भी आप लोग बजा रहे हैं कोई भी गाना, उसका मुखड़ा आप लोग बजा लिए रहे हैं, उसके बाद जो म्यूजिक वहां पे आता है उसको आप नहीं बजा पाते हैं, तो उस म्यूजिक को किस तरह से हमको ढूंढना है, इसका सिंपल सा ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ 80% गाने में यही ट्रिक यूज होगा। अगर आपको राग और थाट पता नहीं है, राग थाट अगर आपको पता नहीं है तो इस चीज को ध्यान से देखिए, सीखिए और इसी चीज के थ्रू से आप निकालना उस गाने के म्यूजिक को जिसका मुखड़ा आप निकाल लेते हैं लेकिन म्यूजिक नहीं निकाल पाते हैं, उस गाने के म्यूजिक को इसी ट्रिक से निकालना। तो चलिए मैं आपको बता दूं, आपको राग और थाट पता नहीं है, कोई भी गाना है जिसके मुखड़े को आप निकाल लिए रहे हैं, जैसे कि पहले तो आपका स्केल पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात है कि आपको स्केल पता रहना चाहिए कि मैं कौन से स्केल से इस गाने को बजा रहा हूँ। अगर वो पता चल गया आपको तभी ये ट्रिक आजमा सकते हो, जो ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं मान लूं कि मैंने इस स्केल से यानी कि एफ से मैंने कोई गाना चालू किया, जैसे कि छोटी सी प्यारी सी अच्छी सी हमारी गोरी परी, गोरी सी प्यारी सी नन्ही सी हमारी गोरी परी। इसका म्यूजिक मेरे को निकालना है और मुझे राग और थाट पता नहीं है, तो मैं कौन सा तरीका आजमाऊंगा। देखिए, जब मैंने इस गाने को बजाया तो मैंने कौन कौन सा नोट्स इस्तेमाल किया, ये चीज आपको, कौन कौन से नोट्स आपने इस्तेमाल किए इस गाने में, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगर नोट्स भी याद नहीं है, ठीक है, यहाँ पे देखना ध्यान से सुनिएगा, नोट्स याद रखने की कोशिश करिए, लेकिन नोट्स भी अगर आपको याद नहीं है तो आप सिर्फ ये याद रखिए कि आपने अगर इस स्केल से गाना बजाना चालू किया, ये गाना आप इस स्केल से गाना बजा रहे हैं, तो आप सिर्फ ये ध्यान रखिए, राग भी पता नहीं है, थाट भी पता नहीं है, ना नोट्स पता नहीं है कि कौन कौन सा नोट्स इसमें लग रहा है, कौन सा राग लग रहा है, कौन सा थाट लग रहा है, ये सारी चीज आपको पता नहीं है। एकदम आप नए प्लेयर हैं और आप सीख रहे हैं उन सब चीजों को, लेकिन आपसे गाना निकल जा रहा है, उसका बीच का म्यूजिक नहीं निकल रहा है। तो मैंने जब यहाँ से गाना प्ले किया तो देखिए, छोटी सी प्यारी सी अच्छी सी हमारी गोरी परी, तो मैंने कौन कौन सा बटन का इस्तेमाल इस गाने में किया, ये बटन, ये बटन, ये बटन, ये बटन, ये बटन और ये बटन, इतना मुखड़ा इस पे बजा। और जब इधर मैंने गया तो मैंने यहाँ पे इसका, इसका, इसका और इसका इस्तेमाल भी किया। तो ये चीज ध्यान में रखिए, अगर राग थाट नोट्स आपको पता नहीं है तो कौन सी स्केल से आप गाना बजा रहे हैं और वो स्केल से आप गाना बजा रहे हैं, उसके बाद वो स्केल में आप वो गाना बजा रहे हैं तो कौन कौन सा बटन का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, ये चीज ध्यान में रखिए। अब मैं जान गया कि मैंने ये बटन, ये बटन, ये बटन, ये बटन, इसका, 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 इसका और इसका मैंने इस गाने में उपयोग किया है। अब इस गाने की म्यूजिक को भी मैं इसी बटन से लूंगा, क्योंकि ये सारे नोट्स है जो इस गाने में लगा है, यही थाट है, यही थाट है जो इस गाने में लगा है, मतलब आपको पता नहीं है, चलिए ठीक है, मानता हूं मेरे को भी पता नहीं है कि इस गाने में कौन सा थाट है, कौन से थाट में ये गाना है, तो मैंने बटन को याद कर लिया कि ये बटन का प्रयोग इस पे किया है, तो अब मैं इसके म्यूजिक को उसी बटन पे ट्राई करूंगा जिस बटन पे मैंने इसके मुखड़े को बजाया है। तो चलिए उसके मुखड़े मुखड़े को जिस बटन से बजाया है उसी बटन से इसके म्यूजिक को ट्राई करता हूं, तो वो बेशक निकलेगा एकदम, मतलब
80% गाना यही है कि जिस बटन पे मुखड़ा बज गया उसी बटन पे वो गाना का म्यूजिक निकलेगा। सुनना धीरे धीरे, आराम से और भी बातें बता रहा हूँ। देखिए ये ए ये ये और ये बटन का प्रयोग मैं कर रहा हूँ इसमें। बटन पे हमारा म्यूजिक भी बज गया, यही बटन पे हमारा मुखड़ा भी बज गया। अब मैंने आपको बताया था कि जब इधर हम लोग गए थे तो यहाँ पे इधर का भी प्रयोग हमने इस गाने पे किया था। तो अब इसका जो म्यूजिक बजता है ये, तो यहाँ पे इधर हम लोग गए थे और हाई चढ़ के बोल रहा है इसका म्यूजिक, तो हम इधर से ट्राई करेंगे क्योंकि हम इधर भी आए थे। देखना पान नैन से ही झूलते खुशियों के बहारों को चूमते रहे। तो ये इधर का भी हमने उपयोग किया है। तो चलिए हम इसके जो हाई स्केल पे जो म्यूजिक बज रहा है हाई रेट पे उसको हम देखते हैं एक बार। इस तरह से ढूंढिए आपको वो मिल जाएगा। मतलब मैं भी अभी इस पे ढूंढ रहा था ये आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से अगर हमसे कोई मिस्टेक भी होता है तो हम उसी पे घुमा घुमा के उसको सुधार कर सकते हैं। जैसा म्यूजिक बजाए वैसे इन म्यूजिक को हम लोग सुने रहेंगे तभी इस चीज को हम कर सकते हैं ट्राई। तो इसके लिए क्या की जरूरत है, हमें स्केल पता रहना चाहिए कि हम कौन से स्केल से वो गाना बजा रहे हैं। अगर उस गाने का थोड़ा बहुत आपसे बच जा रहा है और उसका म्यूजिक आपको निकालना है तो उसका म्यूजिक निकालने के लिए आपको यही तरीका आजमाना होगा कि अगर आपको राग थाट और उसका नोट्स पता नहीं है तो सिर्फ बटन पे फोकस कीजिए कि मैं कौन कौन से बटन को यूज कर रहा हूँ इस गाने में। और आपको पता चल गया कि कौन कौन सा बटन यूज हो रहा है तो आप आसानी से उसी बटन पे, जैसे कि आप मध्य सप्तक पे हैं, मध्य सप्तक के काली एक से कोई गाना बजा रहे हैं और मध्य सप्तक के काली एक से कोई गाना बजा रहे हैं तो सा रे गा मा प ध नी सा, यानी कि आप बिलावल थाट पे कोई गाना बजा रहे हैं, सारे स्वर शुद्ध लग रहे हैं। अब उस पे हाई रेंज पे कोई उसका म्यूजिक बजा हुआ है तो भी वही सुर इधर लगेंगे, सा रे गा मा प ध नी सा, वही सुर इधर लगेंगे अगर हाई रेंज पे कोई उसका म्यूजिक बजा हुआ है। तो अगर हाई रेंज पे म्यूजिक बजा हुआ है इधर अगर आप लोग ट्राई करते हैं तो वही बटन पे ट्राई कीजिए। बटन को अच्छे से देखिए कि कौन कौन सा बटन आप यूज कर रहे हैं अगर आपको नोट्स पता नहीं है तो। अगर नोट्स पता है तब तो आप थाट के माध्यम से जान सकते हैं कि कैसा टाइप से म्यूजिक इसमें लगा है और कैसे टाइप से उसको हम निकाल सकते हैं करके। देखिए अभी हाल ही में एक गाना आया था तेरी मेरी, तो उसपे भी मैं उदाहरण दे के आपको समझा दूंगा। उसका इसके लिए था बी, तो चलिए देखते हैं। ये बटन का उपयोग मैं कर रहा था। उसके बाद जब इस पे जो आलाप लगा है वो इसी बटन पे लगा है, तो
ये देखिए, अगर हम कोई भी गाना निकालते हैं, अगर खुदा गवाह की बात करें, देखिए ये बटन को उपयोग में कर रहा हूं, मुखड़ा है और यही हमारा म्यूजिक है। तो इस तरह से समझिए कि जो बटन आप यूज कर रहे हैं, अगर आपको नोट्स पते नहीं है तो जो बटन का प्रयोग आप कर रहे हैं कोई मुखड़ा निकालने में, और वो मुखड़ा आपसे बज जा रहा है, वो गाना आपसे बज जा रहा है और उसका म्यूजिक नहीं बज रहा है, तो आप इस सब तक पे उसी बटन पे ट्राई कीजिए। अगर आपका हाई रेंज में वो म्यूजिक है तो आप इस सब तक पे, तार सब तक पे उसी बटन का प्रयोग करके उस म्यूजिक को निकालने की कोशिश करें, तो एकदम आसानी से वो म्यूजिक आपसे डेफिनेटली निकल जाएगा। क्योंकि 80% गाना ऐसे ही रहता है, जो मतलब कोई भी गाना अगर बनता है स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होता है तो उसका म्यूजिक उसी के आधार पे निकाला जाता है कि वो गाना कौन से थाट पे और कौन से राग पे चल रहा है। तो वो गाना का अगर मुखड़ा हम लोग बजा लेते हैं तो उसी बटन पे जिस बटन पे हम मुखड़ा बजाए हैं उसी बटन पे उसका म्यूजिक आराम से निकल जाएगा। तो ये चीज ट्राई कीजिए और ढूंढने की कोशिश करिए, ये चीज आपसे निकल जाएगा एकदम आसानी से। चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर कोई भी सवाल आपको करना हो तो नीचे कमेंट करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।